दो सूत्रीय मांग को लेकर 5 दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारी व कर्मचारियों को तीसरे दिन अब हरेली पर्व का है इंतजार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस पर्व पर तोहफा पाने की है उम्मीद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सभी अपने मौलिक अधिकार के हनन किए जाने को लेकर अपने तीसरे चरण में 5 दिवसीय कलम बंद काम का आह्वान के साथ दुर्ग के संभाग आयुक्त के कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों को आज तीसरे दिन हरेली पर्व का इंतजार है। फेडरेशन के जिला संयोजक विजय लहरे ने बताया कि अब तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए हरेली पर्व के दिन हम सभी की मनचाही इच्छाओं को मानकर हमें हरेली पर्व का तोहफा मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा DA और HRA जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे प्रदेश में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज पूरे हमारे जिले के सभी कार्यालय के साथी दफ्तर बंद करके व्यापक रूप से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 2 से 2500 के बीच में हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी नगर पालिका के हमारे और भी साथी रैली के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे कामकाज प्रभावित है, हमारे तहसील कार्यालय से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय बंद है, कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद है। कुल मिलाकर के पूरे 78 संगठन के पूरे पदाधिकारी अपनी टीम के साथ यहाँ पर एकत्रित है। अभी रैली के रूप में हमारे साथी हमको क्या लगता है इसका असर कुछ सरकार को जाएगा? हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर 5 दिन का ये हमारा निश्चितकालीन आंदोलन है। आज हमारा दूसरा दिन है, हमें बहुत उम्मीद है। कल हरेली का त्यौहार है, जब कल का पहला त्यौहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की ध्यान में रखकर कल उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पूरे स्कूल पूरे जितने भी संस्थाएं उसमें काम काम ठप पड़ा है और आज तीसरा दिन है। लगातार हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारा शारीरिक शिक्षा संघ ग्रुप जिला के पूरे व्यायाम शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 25 से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय धरना आंदोलन है, उसमें हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता और 7वें मांग की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें लगभग 70 से 80 संगठनों ने इसको समर्थन कर रहे हैं। 2 सूत्री मांग को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों ने कलम बंद काम बंद कर प्रदर्शन कर अपनी आवाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाई और साथ में भरोसा जताया कि आगामी हरेली पर्व के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्व का तोहफे के रूप में हमारी मांगे सुनी जाएंगी और पूरी की जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री इनकी मांगों को पूरा करते हैं, क्या हरेली पर्व पर इन्हें मनचाहा तोहफा देकर इनकी मांगे पूरी करते हैं या नहीं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।